हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GSM व्लॉग्स। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खूबसूरत व्यू साउथ गोवा का। और इतना अच्छा मौसम हो रखा था, क्लाउड और बारिश, मतलब ऐसा मौसम मैंने अभी तक देखा नहीं अपनी लाइफ में। जो बीच के ऊपर आप देख रहे हो कितना मतलब काला धुंगो और एकदम मौसम हो रखा था। और इसी के साथ प्रियंका भी अपनी मस्त वीडियो बना रही थी यहाँ पे। और इस टाइम मतलब यहाँ की जो हवाएं थी इतनी तेज़ चल रही थी, इसका कोई आइडिया नहीं है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि मौसम भी अभी काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है। बारिश कभी आ रही है तो कभी धूप आ रही है, और धूप ऐसे आ रही है कि फिर दोबारा बारिश आ रही है। तो यही मौसम था। तो इसके बाद हम चले अपने ब्रेकफास्ट की ओर। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया सुबह का, और इसके साथ ब्रेकफास्ट भी हमारा फ्री था, तो क्योंकि वो इंक्लूड होता है एक तरीके से आप जब बुक करते हो तो इसमें वो इंक्लूडेड था। तो हमने ये पैनकेक मंगाया था और मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये दो बार मंगाया था। तो इसके बाद हम खा के हम निकल चुके अपना सीधा और एक और बीच की तरफ, जो आप लोगों को नहीं पता। और जिन लोगों को पता है तो वो मैं बता दूँ कि जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको मुझे पता है, उनको पक्का अच्छा लगा होगा। और ये बीच ऐसा बीच जो गोवा का है, साउथ गोवा में ऐसा बीच है जो सबसे अलग है, और इस बीच का नाम है बटरफ्लाई बीच। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे काफ़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, सो जो लोग स्कूटी से आ रहे हैं तो कृपया करके ध्यान दें बारिश के टाइम पे आप प्लीज़। मेरे को तो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था। पीछे प्रियंका को बिठा के मैं मतलब ऑफ रोडिंग कर रहा था, बट थोड़ा सा रिस्की है। गाड़ी लेके जो लोग आ रहे हैं वो गाड़ी तो वहीं खड़ी कर देंगे, तो आपको काफ़ी आगे तक नहीं जाने देंगे। तो वहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर। तो उससे पहले हम वहाँ तक भी गए, तो वहाँ से हमें और वॉक करना पड़ा था। स्कूटी हमने खड़ी कर दी थी क्योंकि यहाँ पे स्कूटी जाने की जगह नहीं थी। तो यहाँ से प्रियंका वॉक करते हुए जा रही थी, हम मैं भी आगे जा रहा हूँ वॉक करते हुए। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब देख रहे हो एकदम फॉरेस्ट वाला फील आ रहा था यहाँ पे। तो हम यहाँ से निकलते गए बीचों बीच। थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मतलब आगे कितना और है, कितना और आगे जाना है। तो लोग चलते जा रहे थे, हम भी उनके पीछे चलते जा रहे थे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था ट्रैकिंग करते हुए। एक छोटा सा ट्रैक भी है, और जिन लोगों को पसंद है ट्रैकिंग करना वो यहाँ पे आ सकते हैं, और साथ साथ बीच का मज़ा भी ले सकते हैं। तो ये है बटरफ्लाई बीच जहाँ पे हम बस पहुँच ही गए थे, और यहाँ पे प्रियंका ने काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करी। सो बारिश की वजह से रास्ते ही बहुत ख़राब हो रखे थे, तो यहाँ से हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था। वो तो अच्छा है कि आप जब भी यहाँ पे आओ तो अपने मतलब चप्पल और इसके बाद अपने जो भी मतलब जैसे कपड़े आपको सूट करें वैसे कपड़े आप पहन सकते हो। हाँ, लेकिन वैसे कपड़े जो आप मतलब नहीं पहन सकते वैसे कपड़े मत पहनना, तो जो आप इजी टू कैरी कर सकते हो वो कपड़े पहन सकते हो। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा और अंदर जा रहे थे, मेरे को थोड़ा सा और डर लग रहा था कि मतलब कितना और दूर है, तो मैं भी लिटरली थोड़ा डर रहा था। इसके बाद हम बस पहुँचने वाले थे, तो हम भैया से पूछते वहाँ तक गए। सो भैया कह रहे थे कुछ ही देर में आपका पीछे भी आने वाला है, बस कुछ मीटर और दूर है। तो इसी के बाद हमने कहा ठीक है, तो हम वहाँ से निकल पड़े थोड़ा सा और वॉक करते। तो मुझे बस वेट था कि मतलब बटरफ्लाई बीच कैसा दिखता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम गए थे बट हम जा नहीं पाए वहाँ पे। हम सोचा कि नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, तो कुछ डेस्टिनेशन हम बाद के लिए कवर कर लेते हैं कि हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन इस बार हमारा बटरफ्लाई बीच हमारा कवर हो गया। सो फाइनली हम बीच की ओर पहुँचने वाले थे, यहाँ से प्रियंका रुक गई, और वाव क्या मतलब नज़ारा था देखने लायक, क्योंकि यहाँ भीड़ भी आ रखी थी। हमें इतना आइडिया नहीं था क्योंकि ये बीच ऐसा बीच है जो लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी कोई बीच है गोवा में, कि धीरे धीरे करके ये फेमस होने लगा और लोग यहाँ पे आने लगे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब लोग आ रखे थे, जहाँ पे आप देख रहे हो बंदे भैया साइड में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे पानी बियर ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है बियर इनकी, सो 50-60 रुपीज़ की बियर आती है कैन की, तो वो हमने ली थी। इसके बाद हम सीधा मतलब जो मज़ा आ रहा था ना, लिटरली आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा मौसम और ऐसा व्यू, गर्मी तो लग ही नहीं रही थी। सो यहाँ पे बस प्रियंका ने अपनी फ़ोटोज़ और रील्स दोबारा बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इसकी काफ़ी सारे वीडियोज़ और रील्स बना रखी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम का लिंक हैंडल में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। सो ये है वो मस्त जगह, मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ में गूगल्स में देखा है कि लोगों की यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ भी आ रखी हैं, तो मैंने कहा कि मैं भी ज़रा ट्राई करूँगा इस चीज़ को कि फ़ोटोज़ वगैरह खींचने को। बट मेरी वाइफ ने काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई है मेरी। सो गाइस, मैं एकदम वहाँ पर खड़ा था जहाँ पर पानी का बहाव मतलब जहाँ आप देख रहे हो गीला गीला और रखा था पर पत्थर, वहाँ तक पानी आ रहा था।
तो मैं वहाँ खड़ा था। तो जो लोग चप्पल पहन के, तो यार जो लोग जा रहे हो वहाँ मत जाना, कोशिश कर नंगे पाँव जाना। मैं वहाँ पर गया था तो चप्पल फिसल रहे थे लिटरली, तो इसीलिए हम थोड़े यहाँ बैठ गए। एक्चुअली हमारा ऊपर का प्लान था, तो ऊपर एक बंदे बैठे हुए थे हमसे पहले पहुँच गए, तो हमने वो जगह भी कवर कर ली बाद में उनका वेट करते हुए। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, बारिश हो गई। तो सबसे अच्छा सीन हमारे लिए ये हुआ कि बारिश हो गई तो वो बंदे नीचे आ गए और हम चले गए ऊपर। सो मैं यहाँ पे मस्त साधना करते हुए, मस्त मज़ा आ रहा था। अब मेरे को डर लग रहा था पीछे का कि पानी पीछे ना आ जाए, तो काफ़ी मज़ा किया हमने यहाँ पे। सो जो लोग आना चाहते हैं ये बटरफ्लाई बीच आ सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वीडियोस बनेंगी आप लोगों की। और जहाँ पे आप चल रहे हो अभी पत्थरों पे, वहाँ पे आप नंगे पांव ही चलना, चप्पल पहन के मत चलना, क्योंकि चप्पल से आप चलोगे तो आप गिर भी सकते हो, गिरोगे तो चोट बड़ी ख़तरनाक आने वाली है। इसी चक्कर में मैंने चप्पल उतार दी थी। यहाँ पे प्रियंका के काफ़ी सारे वीडियोस बनाते हुए हमने यहाँ रील्स वगैरह ही बनाई, और यहाँ पे हम कम से कम 3 घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड करे हैं वीडियोस रील्स सब बनाने में। तो मैंने बस सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे साथ हुई, अभी तक मैंने कभी भी मतलब पानी में मैं गया नहीं अंदर, लेकिन इस बार पानी के अंदर भी गया था। सो आपको अभी आने वाली वीडियो पे दिखाई देगा कि मैं मस्त एकदम स्विमिंग करता हुआ, क्योंकि इस टाइम बारिश होने वाली थी और बारिश का टाइम हो रहा था। मुझे लगा था बारिश होगी तो पानी का बहाव भी बहुत तेज़ आएगा। तो जहाँ पे आप देख रहे हो पानी काफ़ी पीछे है, उस टाइम पे जब बारिश हो रही थी तो पानी इतना आगे आ गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि पानी अपनी तरफ खींच रहा था हमको। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे प्रियंका के काफ़ी सारे वीडियोस भागते भागते चलते चलते वीडियो बनाई हैं। आप इनके सारे वीडियोस इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैंने भी इनकी काफ़ी सारी वीडियोस ऐसे बनाई हैं जो मैंने मतलब देखी कहीं, और मैंने सेम टू सेम इसकी वीडियोस ऐसे बनाने की कोशिश करी। सो होप प्रियंका को अच्छी लगी वीडियोज़ मेरी। तो मैंने ये सारी वीडियोज़ नहीं बनाई हैं अच्छी सी। यहाँ पे थोड़ा सा उसको डर लगा कि पानी का बहाव थोड़ा तेज़ हो गया था, कि बारिश आने वाली थी। तो मैंने कहा कि चल ठीक है एक और ट्राई करते हैं। तो मैंने इसकी एक और बार ये वीडियो बनाई, तो आप देख सकते हैं वीडियो कैसे बनी है। कमेंट करके बताना मुझे वीडियो कैसे लगी आप लोगों को। मेरी गोवा की सारी सीरीज़ चल रही हैं, तो जिन लोगों को मेरी वीडियोस नहीं मिल रही हैं वो जाके मेरे को कमेंट करें, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन पे अपना चैनल का वो सब डाल दूंगा। तो मेरे को सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं ताकि आप मेरी वीडियो को उससे पहले नोटिफिकेशन पर आपको मेरी वीडियो दिखाई दे। सो गाइस इसी के बाद यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रहा था, पूरा अंधेरा हो गया था। अब मुझे मालूम था कि बारिश होने वाली है, तो इस चक्कर में मैंने प्रियंका को बोला था कि आगे मत जाना, और पानी का भाव देख रहे हो कितना आगे तक आ गया है, क्योंकि पहले पानी यहाँ तक नहीं था। तो इस चक्कर में मैंने प्रियंका को बोल दिया प्रियंका आगे मत जाना, लेकिन ये आगे जा रही थी। तो इसको यहाँ बैठ के मस्त एकदम इंजॉय, आप देख रहे हो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा था पानी के अंदर लिटरली। मैं एक भैया थे यहाँ पे, मैं उनको बता रहा था कि भैया आप पानी कितना आगे जाए। भैया कह रहे थे कि पानी आपको पीछे की तरफ खींचेगा, और जैसे ही लहरें जहाँ उठ रही हैं वहाँ से आपको आगे की तरफ जाना है। तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कि लहरें कैसे बनेंगी, तो मैं आगे जाना है। तो लहरें आप सोच सकते हैं, पानी जहाँ पे भी मेरे एकदम शरीर तक आ रहा है, मतलब 6 फुट का इंसान और पानी वहाँ तक आ रहा है एकदम। तो मैं अब जो लहरें आएंगी, इस लहरें के बाद अगर मैंने वापस पीछे नहीं गया तो होगा क्या, ये लहर मेरे को अपनी तरफ खींच लेगी पीछे की तरफ। तो मैंने यहाँ पर मस्त एकदम स्विमिंग पहली बार लाइफ में मैंने ये किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने यहाँ पे इतना एंजॉय करते हुए वीडियोस बनाई हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सो ये वो जगह है जहाँ पे मतलब मैंने काफ़ी सारी मतलब इमेजेस देखी हैं विद गूगल पे यूट्यूब पे लोगों की, कि मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है बटरफ्लाई का जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाते हैं। सो यहाँ पे मैंने प्रियंका के भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई, और इसकी वीडियोज़ बनाने के लिए कम से कम हमें वेट करना पड़ा यहाँ पे, काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे। बारिश हुई तो लोग नीचे आए और हम ऊपर गए, तो इसके लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। तब तक हमने काफ़ी सारे रील्स और वीडियोस बना चुकी थी। सो गाइस यहाँ पे मैंने प्रियंका की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, वो मैं डाल दूँगा। सो यहाँ पे मैंने प्रियंका के काफ़ी सारे देख लो लॉन्ग शॉट एकदम पास के व्यूज़, काफ़ी चीज़ें कैप्चर करी है यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बताना कमेंट करके, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, GSM व्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो बारिश इस समय ओवर हो चुकी थी, आप देख रहे हो पानी का बहाव कितना आगे तक आ चुका है, आप खुद देख सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे ये ट्राई किया कि मेरी भी एक वीडियो बना दो, तो प्रियंका ने मेरी एक वीडियो बनाई, और इसके साथ मैंने यहाँ पे इसी वीडियो को एंड करते हुए मैंने अपनी गोवा की पूरी सीरीज़ अपनी इसमें डाल रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।